पूरे महाराष्ट्र के अंदर जमात पहली और दूसरी उर्दू मीडियम के बच्चों को पहली जमात में मराठी मजमून की किताबें नहीं मिल रही है। आरटीआई कानून के तहत प्राइमरी एजुकेशन सख्ती का और मुफ्त है, इसके बावजूद भी ये बुनियादी तालीम की जो किताबें नहीं मिल रही हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर रियासत की पहली जबान मराठी है उसकी किताबें ना देने के बारे में हमने जो है बार बार मुतालिका ऑफिसर को, कमिश्नर को, सबको इसकी कंप्लेन की। ये हमारे को नहीं मिलने की वजह से हमने आज कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किए थे, जो पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर एडमिट हुई और उसका नंबर 11214 है। आज जो है तो जस्टिस गंगापुरवाला साहब के इजलास पे ये पिटीशन गई है और जो है बम्बई हाईकोर्ट औरंगाबाद ब्रांच ने जो है इस पिटीशन के ऊपर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को और मुतालिका एजुकेशन कमिश्नर को नोटिसेस इशू किया है कि भाई क्यों बच्चों को ये किताबें नहीं दी जा रही है। ये पिटीशन हमने हमारी जन जागरण समिति के मार्फत हमारे बच्चे हमारे स्कूल में मोहसिन अहमद स्कूल में एक बच्ची जो पढ़ रही है उसके सरपरस्त की तरफ से हमने ये दाखिल किए थे और इसके ऊपर आज हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। ये तमाम महाराष्ट्र के जितने भी स्कूल्स हैं और जितने भी स्कूल एजुकेशन के सोसाइटी के जिम्मेदार हैं और समाज सेवक हैं, वो तमामों की जिम्मेदारी है कि इस तरफ ख्याल दें कि अपने सारे बच्चे जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको ये किताबें नहीं मिल रही हैं, जबकि महाराष्ट्र में ये सरकार ये किताबें पाठ्य पुस्तक मंडल की तरफ से छाप रही है और ये मार्केट के अंदर ये किताबें जो है मिल रही है, फिर हमारे को ये किताबें खरीद के लेना पड़ रही है, जबकि आरटीआई कानून में मुफ्त में देना चाहिए। आज के जो कोर्ट के अंदर इजलास हुआ और जो नोटिस गवर्नमेंट को और सबको निकाले गए एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र को, इसकी तारीख जो है कोर्ट ने हमारे को 8 हफ्ते की दिया है कि 8 हफ्ते के अंदर आप जो है हाई कोर्ट में यहाँ जो है तो आप अपने जवाब दाखिल करें और इस बात के ऊपर जो है हाजिर रहे कोर्ट ने। इस तरह से आज उन्होंने ऑर्डर हुकूमत महाराष्ट्र को दी है।